जींद में एक स्कूल के समारोह में पहुंचे हरियाणा के कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि अब कौशल शिक्षा की तरफ बढ़ावा दिया जाएगा और इसके साथ साथ हर गांव में गोरोपर स्थापित किए जाएंगे। जींद पहुंचे कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ ने एक स्कूल के वार्षिक समारोह में कांग्रेस सरकार पर कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने अपने कार्यकाल के दौरान देश को केवल नेहरू गांधी परिवार तक ही सीमित रखा, जबकि इसके आजादी में लाखों लोगों की कुर्बानी दी गई थी। कृषि मंत्री ने यह भी कहा कि हर गांव में एक गोरोपर स्थापित किया जाएगा जिस पर उस गांव के शहीद सैनिक खिलाड़ियों और दानदाताओं के नाम अंकित किए जाएंगे ताकि वे जन जन तक उनके संदेश पहुंचाए जा सके। 23 जनवरी को जींद में आजाद किसान मिशन स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करवाने के लिए एक रैली करने जा रहा है। इस रैली पर बोलते हुए ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि किसानों को अपनी आवाज उठाते रहना चाहिए ताकि सरकार उनके हितों के लिए और मुस्तैदी से काम करती रहे। कौशल शिक्षा पर बोलते हुए ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि ऐसी शिक्षा प्रणाली लागू की जाएगी जिसे नौकरी करने के बजाय मालिक बनाना सिखाया जाएगा। ये राज्य जो है वो जिन लोगों के हाथ में आया उन्होंने अपने ही बाप दादा के नामों को चमकाना शुरू कर दिया और ऐसा देश बनाने की कोशिश की कि जैसे ये सारा देश नेहरू गांधी परिवार का है। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से चढ़ो और राजीव गांधी एयरपोर्ट पे उतर जाओ, जितने स्टेडियम जितनी सड़कें जितने देखिए, जैसे कौशल सिखाया जा रहा है ये मालिक बनने का तरीका है, इसी तरह से व्यवसायी बनना बेचना सीखना ये मालिक बनने का तरीका है, उद्यमी बनना ये मालिक बनने का तरीका है, इस तरह से बहुत सारी से सर्विस सेंटर बहुत तरह के चलाना वो भी मालिक बनने का तरीका है। इसलिए सोच में भी बदलाव लाना कि मैं नौकर नहीं बनूंगा, तो आपको 10 तरीके मिलते हैं कि मैं किस तरह से अपना रोजगार कर सकता हूं। जैसे मैंने यहां स्थानीय उनका नायकों का उल्लेख किया, हमारे स्थानीय नायकों का उल्लेख करने के लिए पंचायती राज विभाग भी हर गाँव में ग्राम गोरोपट लगा रहा है। एक साल में हम हर गाँव में ग्राम गोरोपट लगाएंगे जिसमें उस गांव के जितने भी नायक हैं, जितने भी शहीद हैं, जितने भी आज़ादी के आंदोलन के दीवाने हैं, जितने भी उस गांव के खिलाड़ी हैं, जितने भी उस गांव के दानवीर हैं, ख्यातनाम लोग हैं, ऐसे सबका नाम, 6700 गांव हैं तो हर गांव में एक इंडिया गेट की तरह से ग्राम गोरोपट होगा। देखिए, मैं तो किसान नेता हूँ और किसानों को अपनी बात लगातार उठाते रहनी चाहिए जिससे और बेहतरी उनके लिए होती रहे, तो इसलिए किसान अपनी बात उठाते रहेंगे तो सरकार भी लगातार कुछ ना कुछ और बेहतरी के लिए जुटी रहेगी। गन्ने का दाम हमने 10 रुपये बढ़ाया है जो भारत में सबसे ऊंचा है, बीमा का रेट हमारे यहाँ सबसे सस्ता है। आजाद टीवी न्यूज के लिए जींद से ऋषि मेहंदी रत्ता की रिपोर्ट।